आज हम बना रहे हैं चिकन स्प्रिंग रोल्स। इसको बनाने के लिए मैंने चिकन ले लिया है और बॉइल्ड चिकन लिया है जिसको मैंने श्रेड कर लिया है। उसके बाद मैंने पत्ता गोभी ली है, लहसुन लिया है मैंने, हरी मिर्चें, प्याज मैंने, शिमला मिर्च और गाजर, ये सारे आप अपनी पसंद का कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, कुछ भी, ये मुझे पसंद है तो मैंने ले लिया। उसके बाद पैन में तेल डाल के उसके अंदर लहसुन को लाइट ब्राउन कर लेना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद उसमें प्याज डाल देनी है सारी, प्याज और हरी मिर्चें जो हमने छोटी छोटी बारीक बारीक कट की थी वो सारी हमको उसमें डाल देनी है। उसके बाद गाजर, क्योंकि गाजर थोड़ा टाइम लेती है, गाजर हो गई और पत्ता गोभी वो थोड़ा टाइम लेती है पकने में, तो मैंने गाजर और पत्ता गोभी के साथ डाल दिया है। अब इसी के साथ मैं एक तरफ इन दोनों चीज़ों को कर दूंगी कि ये पकते रहें और दूसरी तरफ मैं जो बॉयल्ड चिकन था, अगर आप वेजिटेरियन है तो चिकन को स्किप कर दीजिए लेकिन बाकी चीज़ें सेम रखिएगा। इसको मैंने थोड़ा सा सौते कर लिया है ताकि ये हल्का हल्का पकने लगे और मैं शिमला मिर्च थोड़ी देर बाद डालूंगी। अब मैंने शिमला मिर्च डाल दिया 5 मिनट पकाने के बाद गाजर और पत्ता गोभी को। उसके बाद सारी चीज़ें मिक्स करके मैं इसको 2 से 3 मिनट और पका लूँगी। उसके बाद इसमें मैंने सॉल्ट डाला है और मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि हम अलग से इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं डाल रहे हैं। और फिर रेड चिली पाउडर डाला है, रेड चिली सॉस डाला है और केचप डाला है। मैं सोया सॉस, विनेगर कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो गीला हो जाता है, उसके बाद वो शीट्स को भी गीला कर देता है और अच्छा नहीं रह जाता है, तो मैंने ये बहुत ही मिनिमम सी चीज़ें यूज़ की हैं। और उसके बाद इसको मैं ठंडा कर लूँगी। अब मैं शीट्स 2 तरह से बनाती हूँ, एक मैं एकदम ही पानी की तरह एक बैटर तैयार कर लेती हूँ मैदा, और मैदे के अंदर मैं नमक डाल देती हूँ और उसको पानी से पूरा एकदम गीला, जैसे हम डोसे का बैटर बनाते हैं वैसे ही एक बैटर बना देना है। ये जो मैंने कंसिस्टेंसी ली है इसमें भी और पानी डाल के बनाना है, इससे भी हल्की पतली एकदम, क्योंकि हमें बहुत ही बारीक सी शीट बनानी है। उसके बाद मैंने क्या किया, पैन ले लिया है, पैन पे हल्का सा जो तेल डाला है उसको मैं एक कपड़े से या टिश्यू पेपर से मैं पोंछ दूंगी, हमको बहुत लाइट सा ग्रीस करना है बस। मैंने ये पूरा पोंछ दिया, जो तेल था उसको मैंने टिश्यू पेपर से अच्छे से पूरे पे लगा दिया ताकि तेल एकदम बहुत ज़्यादा ना रहे, बहुत हल्का सा रहे। उसके बाद मैं जल्दी से वो बैटर को इस पे डाल के, और इसको जल्दी से आप टाइम नहीं लीजिएगा क्योंकि वो फिर जमने लगेगा, उसको मैंने जल्दी जल्दी एक शीट की तरह पूरे पे फैला दिया है पैन को ही हिला हिला के। ये एकदम शीट, इसको पकाना नहीं है, बस नीचे बस ऐसा हो जाए कि 1 मिनट तक आप इसको ऐसे ही रखें स्लो फ्लेम पे। उसके बाद इसको आप निकाल लें, इसको पलटना नहीं है, पलट के नहीं बनाना है, बस ऐसे ही रखना है। ये जो हम मार्केट में खाते हैं वो इस ही शीट से बनाते हैं, वो जो नॉर्मल डो वाला रहता है उससे नहीं बनाते हैं, वो एकदम बैटर वाले कंसिस्टेंसी से बनाते हैं शीट। तो ये इतनी पतली होनी चाहिए कि हमारा हाथ दिखे उसके नीचे से, और बहुत ईजी होती है, 1-2 बार शायद आपका गलत हो जाए लेकिन वैसे नहीं होगा। फिर दूसरी जो मैं शीट बनाती हूँ वो मैं एक डो तैयार करती हूँ, आटा गूंधती हूँ, मैदा और नमक, इसको मैं अच्छे से गूंध के रख लेती हूँ, और उसके बाद इसकी एक चपाती की तरह मैं बहुत ही पतली शीट को मैं उसको रोल कर लेती हूँ, बेल लेती हूँ उसको। मैं इतनी पतली रखती हूँ कि मेरा हाथ दिखे दूसरी तरफ से। ये आसान है, ये ज़्यादा आसान है क्योंकि आप बैटर वाला बनाएंगे तो 1-2 बार आपसे शायद गलत हो जाए। तो ये मेरा आटे वाला है जो मैंने गूंथ के बनाया, और ये मेरा बैटर वाला है। बैटर वाला बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, जबकि आटे वाला इजी है, आप उसको भी बना सकते हैं। और अब मैं रोल बनाऊंगी। ये मैंने मैदा और पानी घोल लिया है क्योंकि इसको पेस्ट करना है हमको, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है उसमें तेल डाल के कि गर्म हो जाए। अब मैं दोनों आटा गूंधा था उस पर मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ, जो हमारा फिलिंग है वो हम इसके अंदर डालेंगे अच्छे से। उसके बाद जो दोनों साइड्स हैं वो हम पहले फोल्ड कर देंगे ताकि वो खुले ना बाद में, और जो दूसरी तरफ रहेगी वो हम उसके ऊपर ढक देंगे उसको। और जो मैंने मैदा और पानी से घोल बनाया था जो एकदम बैटर है, कंसिस्टेंसी बहुत ही लाइट है उसकी, उससे हमको इसको पेस्ट करना है ताकि वो एकदम अच्छे से चिपक जाए और वो खुले ना बाद में। तो ऐसे ही मैंने ये मेरा डो वाला है शीट, और इसी तरीके से मैंने बैटर वाली शीट भी बना ली है।
अब इसको मैं जब एकदम तेल गरम हो जाए उसके बाद मैं इसको अंदर डालूंगी। इसके तेल एकदम गरम रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो चिपकने लगेगा। ऐसी मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं, दोनों आपको मैं बाद में दिखाऊंगी कि कैसे लगता है। अब वो ये दोनों ही मेरे तैयार हो चुके हैं जो हमने स्प्रिंग रोल अलग अलग। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये क्रिस्पी होता है नो डाउट, जो हमारा डो वाला रहता है शीट वो क्रिस्पी रहता है। अंदर से आपको टेस्ट में डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन जो बैटर वाला हमारा शीट बनाई थी हमने बैटर से, वो बहुत क्रिस्पी होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है। तो आप इन दोनों में से जो भी आपको पसंद है आप वो बना सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरह की शीट बना के दिखा दी है, और इस तरह से आपका स्प्रिंग रोल तैयार है।